हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में समझाया। मैंने आपको बताया था कि भाई विस्थापन जो अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है एकल विस्थापन और एक होती है द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन के बारे में मैंने बताया था कि एकल विस्थापन एज ए विस्थापन यानी एकल विस्थापन एज ए विस्थापन यानी जैसे एकल विस्थापन है ना, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो एकल विस्थापन कहलाती है। और द्विविस्थापन के बारे में पिछली क्लास में आपको समझाया। आज एक नया टॉपिक, अवघटन अभिक्रिया। तो आपको अवघटन अभिक्रिया के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पहले आप प्रश्न नोट कर लेना कि अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं यानी दो अभिक्रियाएं आपकी मैंने कंप्लीट करा दी। नंबर एक संयोजन अभिक्रिया और नंबर दूसरी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी बताया। अब चलते हैं अगली जो अभिक्रिया है वो अवघटन अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न नोट करना कि अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान देना, प्रश्न नोट कर लेना, अपघटन अभिक्रिया। प्रश्न को नोट करो, अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आ रही बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बिंदु। और अभिक्रिया बोर्ड ने 2-3 बार अवघटन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न पुटअप किया है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखना, अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। प्रश्न में जोड़ना इस बात को, ये कितने प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की, ये कितने प्रकार की होती है यानी जो अवघटन अभिक्रिया होती है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। तीनों प्रकारों के बारे में आपको समझाएंगे। तो देखिए अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। प्रश्न में जोड़ लेना इस बात को भी, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए यानी जो अवघटन अभिक्रियाएं होती हैं। और अवघटन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों अभिक्रियाओं के क्या देने हैं? हमें उदाहरण देने यानी उदाहरण सहित समझाने हैं। आई बात समझ? कैसे समझाने? उदाहरण सहित समझाने। तो नोट कर लें इस बात को, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, क्या देना है? उदाहरण। तो नोट कर लो प्रश्न को, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका प्रश्न, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए अपघटन जो अभिक्रिया होती है, अवघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया भी है। क्या है अपघटन अभिक्रिया का नाम दूसरा? वियोजन। और इसे विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने आपको योगशील और योगशील अभिक्रिया के कई नाम मैंने आपको बताए थे, भाई योगशील, ठीक है ना, संयोजन, योगात्मक, संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से उन्हें जानते हैं। यानी 4 नाम बताए थे, उसे योगशील भी कह देते हैं, संयुग्मन भी कह देते हैं, योगात्मक भी कह देते हैं, इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और संयोजन का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, जुड़ना। आई बात समझ में? इसी प्रकार जो अवघटन अभिक्रिया होती है, अवघटन अभिक्रिया या उसे वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं? वियोजन अभिक्रिया, या उससे तीसरा नाम जो है विखंडन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न किसी भी तरह आ सकता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। प्रश्न आ जाए कि माना अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए, या प्रश्न आ जाए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए, या प्रश्न अपना आ जाए कि विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक ही बात हमें लिखनी है। आई बात समझ में? तो देखिए अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए अवघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जैसे संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या था? जुड़ना। संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या था? जुड़ना। उसी प्रकार विस्थापन का भी बताया, विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। ठीक उसी प्रकार
अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। आई बात समझ में, अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, टूटना। तो देखिए अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा पर नजर देखना कि जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर अपने दो या दो से अधिक, जब कोई पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ है, जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर क्या करके, ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा पाकर दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाए, या टूट जाए, उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा समझना, क्या परिभाषा है अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, कि जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर अपने दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, तो उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं, उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ध्यान देना, गौर देना, ऐसी रासायनिक अपक्रिया समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। आ रही बात समझे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक और अभिकारक किसे कह देते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं। तो देखिए प्रिय छात्राओं, आपकी जो अपघटन के बारे में डेफिनेशन थी, दोनों डेफिनेशनों के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई जो अपघटन होती है, अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, टूटना, और इसकी मैंने दो परिभाषाएं आपको बता दी। एक परिभाषा मैंने आपको बताई कि जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर अपने दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, अवघटनीय अभिक्रिया कहलाती, यानी दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ऐसे समझो कि जो संयोजन अभिक्रिया की ही विपरीत है, कौन, अपघटन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद। और इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, अपघटन या वियोजन अपक्रिया में, इस अपक्रिया में यानी एकल जो अभिकर्मक है, कोई जो अभिकर्मक होता है वो क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो विपरीत हुई कि नहीं हुई, वहां पर देखा आपने कितने क्रियाकारक भाग ले रहे थे, दो, बना कितना रहे थे, एक, यहां पर कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, एक, उत्पाद कितना बना रहे हैं, दो। तो विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत हुआ। आई बात समझ में, तो देखिए पहले इस परिभाषा को आप नोट कर लो, उसके बाद आपके और उदाहरण जो है उनको मैं बाद में समझाऊंगा। तो देखिए उत्तर लिख के और हैंड डाल लेना, अपघटन, तीन नाम है इसके, अपघटन भी कह देते हैं इसको, वियोजन भी कह देते हैं, किस, क्या कह देते हैं, वियोजन। आई बात समझ, अपघटन, दूसरी कौन सी है, वियोजन, अपघटन वियोजन, और तीसरी इसको क्या नाम है, इसको विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं इसको, विखंडन। तो नोट कर लेना इसको, विखंडन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण आपकी ये अभिक्रियाएं, और बोर्ड ने कई बार इनमें से प्रश्न भी आपको पुटअप किया है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इनको समझना और नोट करना। तो देखिए अवघटन, वियोजन या विखंडन अभिक्रिया, तो नोट करना, इस बात को समझना। तो देखिए परिभाषा लिखना, समझा दिए मैंने दोनों परिभाषाएं, दोनों परिभाषाओं में से जो भी आपको अच्छी लगे और जो सरल लगे उसको, एक परिभाषा को आप याद कर लेना। आई समय मैं दोनों इसलिए आपको लिखा रहा हूं कि भाई जो भी आपको याद हो जाए उसको आप याद कर लेना। तो देखिए
अब लिखना इसमें अवघटन का अर्थ टूटना होता है। शाब्दिक वे तो पहले से लिख लो, अवघटन का अर्थ जो अवघटन होता है ना, अपघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। क्या होता है, टूटना। अवघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, टूटना होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और नोट करना इस बात को कि भाई अवघटन जो होती है, अवघटन अवक्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, टूटना होता है। जबकि मैंने संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था, जुड़ना। विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था, हटाना। क्या बताया था, हटाना। अब इनकी डेफिनेशन नोट कर लो आप, तो लिखना जब कोई, परिभाषा नोट कर लो, जब कोई, ध्यान देना, जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर, जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर, क्या पाकर, ऊर्जा, जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर, समझना मेरी बात को, जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर, जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर अपने दो या दो से अधिक, ऊर्जा पाकर अपने अपने दो या दो से अधिक, अपने दो या दो से अधिक, समझना, नोट करना इस बात को कि जब कोई पदार्थ ऊर्जा पाकर अपने दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में, कैसे अणुओं में, सरलतम अणुओं में, सरलतम मतलब छोटे छोटे, सरलतम किसमें, सरलतम अणुओं में, सरलतम सरलतम अणुओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, अणुओं में विभक्त, विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। आई बात समझ, अणुओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब विभक्त हो रहे हैं या टूट रहे हैं, विभक्त हो जाते हैं तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे, अपघटन अभिक्रिया, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसे, अपघटन, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी, कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं उसे, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए, एक परिभाषा मैंने इसको, दूसरी आपको और बता रहा हूँ, दोनों परिभाषाओं में से आप कोई सी भी परिभाषा याद कर लेना जो आपको ईजी लगे, जिसको आप याद कर सकें। आई बात समझ में। तो देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, नोट करना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, और अभिकारक के बारे में मैंने बताया था अभी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, अभिकारक। आई बात समझ में। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक, कैसे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किसमें, उत्पादों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। दो या दो से अधिक क्या होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनमें क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, उनमें विखंडित हो जाता है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, दो या दो से अधिक उत्पादों में, किसमें, उत्पादों में टूट जाता है। आई बात है, उत्पादों में टूट जाता है, आ रही बात समझ में, तो ध्यान देना, टूट जाता है। क्या कह देते हैं उसे, अवघटन अभिक्रिया, क्यों, क्योंकि अवघटन अभिक्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, टूटना ही तो होता है, क्या होता है, टूटना, टूट जाता है, अवघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो नोट कर लो इस बात को, तो देखना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं, अवघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोनों परिभाषाओं में से आप कोई भी परिभाषा याद कर लेना,
तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, अपघटन अपक्रिया, इसको हम वियोजन अपक्रिया भी कह देते हैं, विखंडन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। आई बात समझ में? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि भाई जो अपघटन जो अपक्रिया होती है वो संयोजन अपक्रिया के कैसी है, विपरीत है। या संयोजन अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अपक्रिया में, कौन सी अपक्रिया में, संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद। क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद। जबकि इसमें एक अभिकारक, कैसा अभिकारक है, केवल एक अभिकारक है, कोई एक पदार्थ है, और वो टूटकर क्या बना रहा है, दो से दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है, दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। इसको आप ऐसे समझिए, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे समझें कि देखिए ए बी क्या है, ए बी ये ए है और ये क्या है बी, ए बी कोई क्या है, पदार्थ है। आई बात समझ, ए बी क्या है, कोई पदार्थ है, ये ए है और ये क्या है बी, ए बी क्या है, कोई पदार्थ है। आई बात समझ में? और ए बी जो पदार्थ है ना, ध्यान देना समझना, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगी ये बात, समझना कि देखो एक ए है और एक क्या है बी है, तो देखो ये तो बी हो गया और ये क्या हो गया ए, इस तरह। आई बात समझ, ए भी कोई क्या है, अभिकारक है, ए भी कोई क्या है, अभिकारक है। आ रही बात समझ में, ए भी क्या है, कोई अभिकारक है। अब ये अधिक अणु वाला, यानी ये अधिक अणु भार वाला कैसा है, बड़ा अणु है, कौन, ए भी। अब ऊर्जा पाकर क्या हो रहा है, छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। कैसे, सुनिए, इस प्रकार ये ए में और एक इसमें बी में। आई बात समझ में? तो न्याय कैसा था, ये एकल उत्पाद था कि नहीं, एकल अभिकारक था कि नहीं था, एकल अभिकारक था। और न्याय इसने क्या बना दिए, इसने यानी दो उत्पाद बना दिए, ए और बी। कितने बना दिए, ए और बी। तो देखो नोट कर लेना, लिख लेना, ये कैसा है, अधिक, कैसा है, अधिक अणु भार वाला, यह कैसा हो गया, अधिक अणु भार वाला, अणु भार वाला अणु, यानी अधिक अणु भार वाला कैसा है, बड़ा अणु है, यानी अधिक अणु वाला, अधिक अणु भार वाला कैसा है, बड़ा अणु है। आई बात समझ में? और ये कैसे बना दिए इसने, बहुत छोटे छोटे, कैसे बना दिए, छोटे छोटे, यानी कम अणु भार वाले कैसे हो गए, छोटे अणु हो गए। आई बात समझ में, यानी कम अणु भार वाले छोटे अणु। आई बात समझ में? तो ये हो गया। तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक है कि नहीं है, एक अभिकारक है, और ये दो या दो से अधिक, तो देखो दो बने कि नहीं बने, ए बन गया और प्लस बी, तो दो हो गए, प्लस का चिन्ह लग गया ना, यहाँ दोनों एक ही हैं, ए भी दोनों एक ही हैं। आई बात समझ, एक ही अभिकारक है, लेकिन उत्पाद में क्या हो गया, दो या दो से अधिक क्या बना दिए इन्होंने, उत्पाद बना दिए। आई बात समझ में? और इसको हम अपघटन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? और अपघटन जो अपक्रिया होती है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं अपघटन अपक्रिया के। नंबर एक ताप अपघटन, नंबर एक ताप अपघटन, नंबर दूसरा विद्युत अपघटन, और नंबर तीसरा है प्रकाश अपघटन। नंबर एक कौन सा हो गया, ताप अपघटन, नंबर दूसरा विद्युत अपघटन, और नंबर तीसरा प्रकाश अपघटन। यानी अपघटन अब कितने प्रकार होती है, तीन प्रकार की होती है, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। आई बात समझ में? अब इनको आप नोट कर लो, तीनों को मैं अभी समझाता हूं आपके लिए उदाहरणों सहित। तो उत्तर चल ही रहा है आपका, हैंड डाल लेना प्रकार, क्या डाल लेंगे प्रकार। और प्रकार में पहले इनके लिखो, थोड़ी सी लैंग्वेज बनाता हूं मैं कि अवघटनीय अभिक्रिया, जो कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, अवघटनीय अभिक्रिया,
अपघटनीय अभिक्रिया, समझना मेरी बात को, अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, आ रही बात समझ, अपघटनीय अभिक्रिया। ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा क्यों लिखा है, क्योंकि ऊर्जा पाकर ही तो टूटती है, यानी जब कोई पदार्थ क्या होता है, ऊर्जा पाकर ही तो टूटता है, इसलिए ऊर्जा के आधार पर अपघटनीय अभिक्रिया। ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है ऊर्जा के आधार पर, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। आई बात समझ, ऊर्जा के आधार पर तीन प्रकार की होती है अपघटनीय अभिक्रिया। ऊर्जा के आधार पर तीन प्रकार की होती है। आई बात समझ, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, ठीक है ना। और तीन प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, ताप, कौन सा है, ताप या ऊष्मीय अपघटन, इसका ही नाम है दूसरा, या तो इसको ताप अपघटन कह देते हैं या इसको हम ऊष्मीय अपघटन के नाम से जानते हैं, ताप कह दो चाहे ऊष्मीय कह दो। आई बात समझ में, तो नोट करना इस बात को, ध्यान देना। नंबर एक, ताप या ऊष्मीय अपघटन, कन्फ्यूज मत होना, ताप भी कह देते हैं इसको और ऊष्मीय अपघटन के नाम से भी जानते हैं, ताप या ऊष्मीय अपघटन। आई बात समझ में, ताप या ऊष्मीय अपघटन। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, हेडिंग डाल लेना, ताप या ऊष्मीय अपघटन। आई बात समझ में, अब इनकी तीनों की डेफिनेशन और इन तीनों के क्या है उदाहरण है, तो इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए एक प्रिय छात्र छात्राओं, अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो और वीडियो जो हैं इनको आप अपनी फेसबुक पर अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो। आई बात समझ, अधिक से अधिक शेयर करो वीडियो को, आपकी जो फेसबुक है उस पर इन वीडियो को, हमारे को या व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, उनमें अधिक से अधिक इनको शेयर किया कर दिया करो, अधिक से अधिक लाइक किया करो। आई बात समझ में, तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ताप या ऊष्मीय अपघटन। तो देखिए जब कोई पदार्थ यही परिभाषा है, इसी में जोड़ देना, जब कोई पदार्थ ताप पाकर, क्या पाकर, ताप पाकर या ऊष्मा पाकर, जब कोई पदार्थ ताप पाकर या ऊष्मा पाकर, ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक अपने सरलतम अणुओं में टूट जाए तो उसे हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे भाई, जब कोई पदार्थ क्या करे, ऊष्मा पाकर ऊष्मा पाकर और इसमें क्या लिख देंगे, जब कोई पदार्थ ताप पाकर, क्लियर हो गई ना ताप। अब तक तो भाई हमने पता नहीं कौन सी अपघटन है, लेकिन अब हम ताप या ऊष्मीय पढ़ रहे हैं, तो उसमें सीधा लिख देना ताप पाकर, तापमान, टेम्परेचर। आई बात समझ, तो जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ताप अपघटन। क्या कह देते हैं, ताप अपघटन। विद्युत के द्वारा टूट जाए तो विद्युत अपघटन, कौन सी, विद्युत अपघटन। और प्रकाश के द्वारा टूट जाए कोई पदार्थ तो उसे क्या कह देंगे, प्रकाश अपघटन। क्या कह देंगे, प्रकाश अपघटन। आई बात समझ, क्या कह देंगे, प्रकाश अपघटन। आई बात समझ में, तो देखिए नंबर एक, ताप या ऊष्मीय अपघटन। तो डेफिनेशन को लिखना कि जब कोई पदार्थ नोट करना इस बात को, जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर, जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर, क्या पाकर, ताप या ऊष्मा पाकर, आ रही बात समझ में, जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर, क्या पाकर, ऊष्मा। आई बात समझ में, ताप या ऊष्मा एक ही बात होती है, ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक किसमें, सरलतम, किसमें, सरलतम, दो या दो से अधिक सरलतम। आ रही बात समझ, दो या दो से अधिक सरलतम, किसमें, सरलतम अणुओं में टूट जाए, ध्यान देना, किसमें, सरलतम अणुओं में क्या हो जाए, टूट जाए। तो ध्यान देना, समझना इसको,
बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर लिखाऊंगा, तो ध्यान देना थोड़ा सा, समझना। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं आपके पाठ नंबर 6 में, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक में। तो ध्यान देना, गौर दिया करो टॉपिकों पर, और हर बिंदु को बहुत अच्छे से आप समझा करो, क्यों जितना आप इनको समझेंगे उतनी ही आपको ये अभिक्रिया जो है वो बहुत ईजी होती हुई चली जाएंगी। और अभिक्रिया वाला ये पार्ट जो है 3 नंबर का है, और इस पार्ट में से अधिकतर अभिक्रिया ही आती हैं, ना कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उनके भौतिक गुणधर्म उदाहरण, वो प्रश्न कम आते हैं, ज़्यादातर अभिक्रियाओं से संबंधित ही प्रश्न आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आप समझिए। आई बात समझ में? तो देखिए, जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। सरलतम अणुओं में क्या हो जाए? टूट जाए। सरलतम अणुओं में टूट जाए तो उसे क्या कह देते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। टूट जाए तो उसे कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? यानी अधिक दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में टूट जाए तो उसे क्या कह देते हैं? उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सी कह देते हैं? ताप, या ताप लिख लेना। आई भाषा में क्या कह देते थे? तो उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? ताप ही तो पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक सरलतम अणुओं में टूट जाए तो उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखना, इसका एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, उदाहरण से बहुत क्लियर हो जाएगा कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या है? ताप पाकर। तो देखिए, क्या पाकर? ताप पाकर। ताप कैसे पाएगा? जिसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो देखिए इस तरह, और ये ताप का क्या होता है? चिन्ह होता है, और ऊपर लिख देता हूं मैं, गर्म करने पर। कैसे? गर्म करने पर। तो देखिए, गर्म करने पर, आई बात समझ में? क्या करने पर? गर्म करने पर। तो ये क्या हो गया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट। आई बात समझ? क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर ये क्या बना रहा है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका। तो ध्यान देना, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जब कोई पदार्थ कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये ताप या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक क्या बना रहा है? सरलतम अणुओं में क्या हो रहा है? टूट रहा है। उत्पाद कैसे बना रहे हैं? दो बना रहे हैं। और क्रियाकारक कितना है? एक है। अगर इसमें संयोजन में, अगर इस अभिक्रिया को मैं लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं? CaO प्लस CO2 और अभिक्रिया बाद क्या बनाएंगे? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, और यहाँ पर कोई एकल जो क्या है अभिकर्मक है, एकल जो क्या है अपना अभिकारक है, वो टूट कर चाहे
ताप के द्वारा, चाहे विद्युत के द्वारा, चाहे प्रकाश के द्वारा, वो दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। आई बात समझ में, तो इसको आप लिख लेना। आई बात समझ। दूसरी अपक्रिया की बात करूं मैं, तो देखिए दूसरा उदाहरण और इसमें देख लो आप कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, ACSO4 फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। फेरस सल्फेट यहां पर जो आयरन है ना, अपनी संयोजकता कितना दर्शा रहा है, दो दर्शा रहा है। कितनी दर्शा रहा है, दो। इसलिए फेरस तीन दर्शाएगा तो फेरिक क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। दो दर्शा रहा है इसलिए क्या हो जाता है, फेरस हो जाता है। आई वैसे यहां आयरन जो है, आयरन अपनी आयरन Fe 26वें नंबर पर जो आता है, आयरन Fe अपनी संयोजकता कितनी दर्शा रहा है, ये संयोजकता दो दर्शा रहा है प्लस दो, और ये कहीं पर आयरन प्लस तीन भी संयोजकता दर्शा देता है, क्योंकि परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। आई बात समझ में, कैसी संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व हैं, एस पी डी और एफ चार ब्लॉक होते हैं ना, कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं। आई बात समझ में, और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। आई बात समझ में, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, माइनस दो, Fe कितनी है, प्लस दो, तो उसकी संयोजकता उसके नीचे, उसकी संयोजकता उसके नीचे, और क्या बन जाता है, FeSO4। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। किसका चिन्ह है, गर्म का। आई बात समझ, किसका चिन्ह है, गर्म का। क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। अब जब गर्म करेंगे ना, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। आई बात समझ में, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आ रही बात समझ में, SO2 क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई बात समझ, क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, फेरिक, क्योंकि यहाँ संयोजकता कितनी दर्शा रहा है, आयरन तीन दर्शा रहा है, और जब संयोजकताएं अधिक होती हैं ना, परिवर्तनशील संयोजकता में जब संयोजकताएं ज़्यादा होती हैं तो एक शब्द लगाते हैं, जैसे फेरिक, क्या, फेरिक। कम होती है तो क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, जैसे पार्ट नंबर 5 में भी बताया मैंने, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक हम लोग क्या होता है, H2SO4, और एक सल्फ्यूरस अस, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल का क्या होता है, अणुसूत्र H2SO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4। आगे ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं, और कम के लिए क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं। आई बात समझ में, इसलिए यहाँ पर संयोजक नहीं दर्शा रहा है, तीन दर्शा रहा है आयरन, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, ओ से ऑक्साइड। का ही समय, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखिए फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बैलेंस के लिए दो लगा देना, क्योंकि अपक्रिया बैलेंस में लिखनी पड़ती है। अपक्रिया किस में लिखनी पड़ती है, बैलेंस में, क्यों, Fe कितने हैं, दो, तो मैंने कितना लगा दिया, दो लगा दिया, और सल्फर भी कितने हो गए भाई, इसका दो का मतलब है संपूर्ण यौगिक से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो सल्फर भी कितने हो गए, दो हो गए, ना सल्फर दो है, देखो एक और दो। ऑक्सीजन देखो पहले से कितनी है, चार, दो से गुणा और हो रहा है, कितने हो गई, आठ, चार दुनी आठ, इधर देखो तीन और दो पाँच और तीन आठ। अपक्रिया हमेशा बैलेंस में ही लिखनी होती है, जो अपक्रिया लिखते हैं हम वो हमेशा बैलेंस में ही लिखनी है। आई बात समझे, तो कौन सी हो गई, ताप या ऊष्मीय अवघटन। तो देखिए भाई ये कैसे है, ये अधिक अणु भार वाले अणु हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है चाहे फेरस सल्फेट है, ये कैसे अधिक अणु भार वाले, ये अधिक अणु भार वाले क्या हैं, बड़े अणु हैं, अधिक अणु भार वाले
अधिक अणु भार वाले कैसे हैं, बड़े अणु हैं। और किस में टूट रहे हैं, ये छोटे छोटे अणु भार वाले अणुओं में टूट रहे हैं। क्या पाकर, ताप पाकर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ताप पाकर या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक सरलतम, अभी सरलतम बने कि नहीं बने, सरलतम अणुओं में क्या हो जाए, टूट जाए, उसे हम ताप अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समय, क्योंकि अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना ही होता है। लेकिन यहाँ के कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ताप अपघटन तीन प्रकार होते हैं इसके, ताप विद्युत और ऊष्म, ताप विद्युत और प्रकाश। अब जब ताप पाकर टूट रहा है ताप अपघटन, विद्युत पाकर टूट जाएगा विद्युत अपघटन, प्रकाश पाकर टूटेगा तो प्रकाश अपघटन। आई बात समझ में, तो इसको आप नोट कर लेना। सेकंड जो इसका प्रकार है विद्युत अपघटन, कौन सी है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसके बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में समझाएंगे विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के बारे में। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक विद्युत अपघटन के साथ। ओके, थैंक्स।